हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडीबी डिस्कशन पॉइंट पे। आज हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है समानांतर श्रेणी, जिसको एपी भी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में सबसे बड़ी बात होती है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है हर एक पदों के बीच समान अंतर, हर एक पदों के बीच समान अंतर। जैसे कि पहला पद हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस टू डी, चौथा हो गया ए प्लस थ्री डी, पाँचवा हो गया ए प्लस फोर डी, इसी प्रकार अनंत यानी कि एन पदों तक हो जाता है। अब इसमें हमें कहेगा, जैसे एन पदों तक दे देगा, अब यहाँ पे और आपको टी एन यानी कि अगर एनमा पद पूछ ले कि इन पदों में जो एक दो तीन चार ये एन तक है इसमें कितने पद है, एनवा पद पूछे तो टी एन बराबर होता है एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। जहाँ जहाँ आपको ए बराबर हो गया प्रथम पद मतलब पहला पद, डी बराबर होगा सार्व अंतर मतलब दो पदों के बीच में कितना अंतर है इसको डी कहते हैं, और टी एन बराबर हो गया अंतिम पद, इसी को एल भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और होता है, जैसे अभी एन पद हो गया, इन एन पदों का योग क्या होगा, योग निकालना हो तो ये हो गया आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा एस एन यानी कि एन पदों का सम योग, ये होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब जहाँ देखिए एन तो जन्मे करते हैं पदों की संख्या, ए बराबर जन्मे करते हैं प्रथम पद, एन बराबर एन संख्या, टी एन बराबर होता है अंतिम पद, और यहाँ एल बराबर भी होता है अंतिम पद। एल बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो यह हो गया दूसरा फॉर्मूला, यह होगा आपको तीसरा फॉर्मूला। जैसे अब यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, दे दिया एक दो तीन चार पाँच छ दस 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 सौ तक दे दिया, ठीक है। अब हमको तो पता है कि एक से लेकर सौ तक क्या होता है, सौ का पद होता है। अगर हम इस मेथड से निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे निकलेगा, हमको निकालना है कि इसमें कितने पद हैं, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले निकालने फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन बराबर अंतिम पद यानी कि सौ, ए बराबर क्या होगा वन, एन बराबर क्या हो गया सौ, आ सौ एन हमको नहीं पता है, एन हमको निकालना है, यहाँ तो पता चल गया लेकिन हमको निकालना है, तो उस विधि से अगर एन हमको नहीं पता है तो एन माइनस वन और डी बराबर वन हो गया, तो सौ बराबर हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन, एक में एन से गुना करेंगे तो एन, और एक में माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस एक, तो एक से एक कट जाएगा तो एन बराबर सौ, यानी यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, सौ हो गया। अब वहीं पर योग निकालना होगा इसका, तो कैसे निकालेगा, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो गया, ये योग निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एन हमको पता चला गया कितना है, सौ है, तो एस एन बराबर हो जाएगा सौ बट्टा में दो, ए बराबर एक, तो दो में से गुना होगा दो, एन हमको पता है सौ, और सौ में से गया तो निन्यानवे, और डी कितना है एक है, सार्व अंतर सब कितना है एक एक है, डी एक हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सौ बट्टा में दो इंटू टू प्लस निन्यानवे गुना एक निन्यानवे, सौ बटा दो कितना हो जाएगा पचास, पचास हो जाएगा, और पचास गुना निन्यानवे दो एक सौ एक, अब गुना कीजिए पाँच एक पाँच जीरो पाँच जीरो आंसर।